थंबनेल ले रही थी गाइस, जो दिल्ली में रहते बहुत लकी है, तो 150 में तो क्या ही मिलेगा गाइस। हेलो फैमिली, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाय, माय नेम इज शुभांगी कालवानी। एंड गाइस, एज यू ऑल नो कि विंटर का सीजन अभी बस जा हो ही गया ख़त्म, बट मैंने की थी बहुत सारी शॉपिंग विंटर के सेल में। सो आज एक हॉल वीडियो होने वाला है। सो मैंने इंदौर से लोकल मार्केट से बहुत सारे अपने लिए जैकेट्स मंगवाए थे, वो सब विंटर सीजन के तो नहीं है, आप नॉर्मली भी पहन सकते हो अगर आपको जैकेट्स वगैरह पसंद है तो मैंने बहुत सारे मंगवाए थे, तो आज उसका एक हॉल वीडियो करने वाली हूँ मैं। सो गाइस, आप बोलूँगी इंदौर से कैसे मंगवाए थे। सो गाइस इंदौर में मासी रहती है मेरी, तो यस, उन्होंने वीडियो कॉल वगैरह किया था एंड मैंने बहुत सारे मस्त वाले पीसेस सेलेक्ट किए थे अपने लिए एंड वो आ गए हैं। सो मैंने सब वॉश वगैरह भी कर लिए बाय द वे, क्योंकि वो सेल के लाइक सरोजनी मार्केट वगैरह नहीं रहता है, वैसे इंदौर में भी एक मार्केट है जहाँ बहुत कम प्राइस में बहुत मस्त मस्त चीज़ें मिल जाती है। सो यस, वहाँ से मैंने मंगवाए थे, तो एक हॉल वीडियो होने वाला है गाइस। सो अगर आपको आपने देखा होगा कि मैं जैकेट्स वगैरह बहुत डालती हूँ, लाइक अंदर से टैंक टॉप डालो एंड ऊपर से जैकेट वगैरह डालो, बहुत कूल लगते हो एंड बहुत ही प्यारे लगते हो। अब मेरे ऊपर पर्सनली ये वाला ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, लाइक टॉप्स वगैरह से ज़्यादा मुझे जैकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर, तो मैं वही ज़्यादा पहनती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मंगवा ही लेती हूँ, बहुत मस्त मस्त पीस मंगवाया है। सो गाइस वेट, थंबनेल ले रही थी गाइस। सो गाइस, ये रहे बहुत सारे जैकेट्स एंड इतने प्यारे प्यारे जैकेट्स हैं, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई है ना, मैं आपको सब एक एक करके दिखाती हूँ। वेट, इसमें अभी ना जजिंग वगैरह करने या डांस पे ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, तो उनका संगीत वगैरह रहता है या कोई डांस कॉम्पिटिशन रहती है तो वहाँ जाना पड़ता है, तो मेरे को जैकेट्स बहुत पर्सनली अच्छे लगते हैं अपने ऊपर। सो यस, तो उसके लिए भी मैंने एक दो मंगवाए हैं ऐसे ब्लैक एंड थोड़ा रेड कलर में। सो गाइस, मेरे पास फर्स्ट जैकेट है ये रेड वन एंड ये इतना प्यारा है गाइस, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई है ना, ऐसे लगेगा ही नहीं। इसके बैक में भी ऐसे पूरा ये बना हुआ है पैटर्न, सो गाइस ड्रेप वगैरह बना हुआ है यहाँ पे पैटर्न वगैरह, तो बहुत ही पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है पहनने के बाद तो। सो गाइस, मैं सबकी प्राइस ना यहाँ पे मम्मा से पूछ के लगा दूंगी, सब 300 के अंदर है, 400 के अंदर है सब। सो यस, 350 से भी ज़्यादा वाला कोई भी जैकेट नहीं है, तो मैं सबकी प्राइस यहाँ पर लिख दूंगी एंड मार्केट का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि अगर आपको आप इंदौर से हो कहीं से आपको जाना हो तो आप जा सकते हो। सो यस, एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये जैकेट, इतना प्यारा है गाइस, इतना प्यारा, लुक एट दिस जैकेट एंड इसका भी पीछे से सेम पैटर्न बना हुआ है, आगे से ये आप कोई भी इसके अंदर लाइट कलर की फुल स्लीव्स जैकेट के फुल स्लीव्स टी शर्ट के अंदर ऊपर से ये जैकेट डाल दो, इतना प्यारा लगेगा यार। मेरा पर्सनली ये बहुत फेवरेट है सब जैकेट्स में से, बहुत ही प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, मैंने पहन के दिखा ये जैकेट तो। एंड थर्ड जैकेट है मेरे पास ये एक शर्ट है पिंक कलर में, ये थोड़ी सी मेली मेली आई थी बट ठीक है, वॉश करने के बाद ये मतलब हो गई है ठीक, क्योंकि ये शायद से थी ओनली 150 रुपीज़ की, तो 150 में तो क्या ही मिलेगा गाइस। एंड देखो 150 में, हाँ, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है यार, कभी कभी लगता है जो इंदौर में जो दिल्ली में रहते बहुत लकी है, सरोजनी नगर में तो कितना सस्ता सस्ता मिलता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है। सो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें ये पूरा इस पर ये वर्क बना हुआ है, आप ध्यान से देखो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये भी पहनने के बाद। एंड ये तो मेरे ऊपर ऐसे भी अच्छा लग रहा था, लाइक आप पहले ओपन करके अंदर से टैंक टॉप ऐसे जैकेट भी पहन सकती हूँ मैं, बट ऐसे भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो यस, एंड फोर्थ है मेरे पास ये ब्लैक जैकेट, आपने वीडियो में देखा होगा, ये तो इतना प्यारा लग रहा था गाइस, इतना प्यारा, लुक एट जैकेट एंड इसके स्लीव्स पे ये डिज़ाइन बनी हुई है, एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा था ये जैकेट भी एंड बहुत ही मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था एंड ब्लैक कलर, तो आप ऐसे दिखाना ऐसे देखो ब्लैक कलर तो आपको और भी गोरा कर देता है, ये जैकेट भी बहुत अच्छा था। इसकी भी प्राइस, मैं सबकी प्राइस लिख दूंगी गाइस। एंड उसके बाद
फिफ्थ जैकेट है मेरे पास. ये है थोड़ा लाइक, ये मैं ना ऐसे गर्मी में ज़्यादा नहीं पहन सकती हूँ. ये थोड़ा ठंडी और टाइप का है, बट लाइक ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए मैं पहन लूँगी, बट ऐसे मैं नहीं पहन सकती क्योंकि थोड़ा सा ये अंदर से गर्म गर्म सा है. एंड इसके ऊपर ऐसे बहुत ही प्यारी सी एक बेल्ट भी दी हुई है. वेट, ऐसे बेल्ट भी दी हुई है, तो ये ऐसे डाल लो आप. कहीं शिमला मिमला जा रहे हो तो मस्त पहन के जाओ, किसको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये 200-250 रुपीज़ का एक जैकेट है सिर्फ. बहुत ही प्यारा लगेगा. एंड उसके बाद मेरे पास जैकेट है, ये थोड़ा सा लाइक इनसे डिफरेंस है क्योंकि इस पर पूरा ये सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है. एंड ये थोड़ा ऐसे फ्लावर ऐसे थोड़े प्रिंटेड टाइप है, बाकी सब प्लेन जैकेट है. एंड ये भी पर्सनली मेरे को अच्छा लगा कि लाइक ऐसे कैफ़े वगैरह जा रहे हो तो आप पहन के चले जाओ, बहुत ही प्यारा लगेगा. इसके स्लीव्स भी बहुत अच्छी लगी मुझे. एंड गाइस जो लास्ट जैकेट है, लास्ट है मेरे पास, वो देखो आप. प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट दिस. सो गाइस ये देखो, वेट वेट मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं ऐसे. तो बस ये है पूरा इतना लॉन्ग जैकेट, और आप पहन लोगे तो ये पूरा एक फ्रॉक, इधर से बेल्ट डाल दूंगे आपको तो दिखेगा नहीं. सो गाइस देखो अभी कैसे है, इस पर बटन्स लगा लो एंड यहाँ पे बेल्ट डाल. सो गाइस ये एकदम पूरा फ्रॉक की लेंथ, नी लेंथ तक आ जाता है मेरे. एंड इस पर एक कैप भी दी हुई है, आप कैप भी डाल लो मस्त. ये तो समर्स में पहन सकते हो आप, लाइक सिर्फ ये डाल लो एंड यू आर गुड टू गो. आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. ये पीछे से इलास्टिक दी हुई है तो पहनने के बाद पूरी फ्रॉक लगती है ये. एंड अगर आपको फ्रॉक ऐसे आप मनाली वगैरह जा रहे हो तो भी पहन लो, नीचे से फ्रीज नीचे से स्टॉकिंग्स वगैरह पहन लो, बहुत ही प्यारा लगेगा ये भी. एंड ये मैंने मंगवाए थे कुछ जैकेट्स. सो गाइस ये मंगवाए थे मैंने कुछ जैकेट्स फ्रॉम इंदौर. एंड मैंने कुछ फैब्रिक्स भी मंगवाया है, बट उस वो मैंने सोचा क्या ही दिखाना हॉल में, ही जैकेट्स का ही हॉल रखती हूँ. बहुत ही प्यारे जैकेट्स आए, सबकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही प्यारे जैकेट्स आई है. मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये हॉल. सो बस आई होप आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड थैंक्स फॉर लविंग ऑल माई रिसेंट वीडियोज़. प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.